नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जबलपुर से रानी कमलापति और रानी कमलापति से जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेबल, रूट और किराए के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो इस ट्रेन का नंबर है 20174 है। इसके बाद से ये जो ट्रेन है जबलपुर से रानी कमलापति तक जाती है और हफ्ते में 6 दिन रहती है, मंगलवार को छोड़ के। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। अब हो सकता है आगे चल के कुछ भी चेंजेस हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं रूट की। तो ये जो ट्रेन है जबलपुर से मॉर्निंग में 6 बजे डिपार्चर होगी। इसके बाद से 6:55 पर ये नरसिंहपुर पहुँचेगी, यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट लेगी। इसके बाद से 7:55 पर ये पिपरिया पहुँचेगी, यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट होगा। इसके बाद से 8:55 पर ये इटारसी पहुँचेगी, यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट होगा। और सबसे ज़्यादा हॉल्ट इटारसी में ही होगा, 10 मिनट का आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद से 9:23 पर नर्मदापुरम पहुँचेगी, यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट लेगी। इसके बाद से 10:35 पर ये रानी कमलापति स्टेशन पहुँच जाएगी। तो अगर आप जबलपुर से बैठते हो और आपको रानी कमलापति तक जाना है, मतलब भोपाल में ही ये पड़ता है, तो आप यहां पर देख सकते हो इन दोनों की जो डिस्टेंस है 338 किलोमीटर होता है, जो कि 4.5 घंटे के आसपास इतना टाइम लग जाएगा। तो ये तो रहा है टाइम टेबल और रूट की बात। चलिए अब मैं आपको इसका किराया भी बता देता हूं। तो अगर आप जबलपुर से रानी कमलापति तक के लिए टिकट बुक करते हो एसी चेयर कार में, तो आपको ₹955 पे करना पड़ेगा। इसमें आपका फूड भी इंक्लूड रहता है। अगर आप टिकट बुक करते टाइम नो फूड आपने चूज़ किया है, तो आपका जो किराया है ये कम हो जाएगा। अब हो सकता है कि आगे चल के यहाँ पर कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जीक्यूटिव चेयर कार का, अगर आप जबलपुर से और रानी कमलापति तक टिकट बुक करते हो तो आपको ₹1790 पे करना पड़ेगा। इसमें आपका फूड भी इंक्लूड हो गया है और इसमें भी नो फूड का ऑप्शन है। अगर आप नो फूड का ऑप्शन चूज़ करते हो तो ये जो किराया है कम हो जाएगा। तो ये तो रहा जबलपुर से रानी कमलापति के लिए। चलिए अब मैं आपको रानी कमलापति से और जबलपुर के लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो रानी कमलापति से जबलपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन है, आप इसका ट्रेन नंबर देख सकते हो 20173 है और ये हफ्ते में 6 दिन रहती है, मंगलवार को छोड़ के। चलिए अब हम रूट की बात कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेन है रानी कमलापति से शाम को 7 बजे डिपार्चर होगी। इसके बाद से 7:51 पर नर्मदापुरम पहुँचेगी, यहाँ 2 मिनट का होल्ट होगा। इसके बाद से 8:15 पर इटारसी पहुँचेगी, यहाँ 10 मिनट का होल्ट होगा। इसके बाद से 9:15 पर पिपरिया पहुँचेगी, यहाँ 2 मिनट का होल्ट लेगी। इसके बाद से 10:15 पर नरसिंहपुर पहुँचेगी और यहाँ पर भी 2 मिनट का होल्ट होगा। इसके बाद से 11:30 के आसपास से जबलपुर पहुंच जाएगी, आप यहां पर देख सकते हो। अगर आप रानी कमलापति से जबलपुर तक के लिए ट्रेवल करते हो तो आपको 331 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि 4.5 घंटे के आसपास इतना टाइम ले लेगी। तो अब मैं आपको इसके किराए के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप रानी कमलापति से जबलपुर के लिए टिकट बुक करते हो एसी चेयर कार में, तो आप यहां पर देख सकते हो ₹1055 आपको पे करना पड़ेगा। इसमें आपका फूड भी इंक्लूड हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप नो फूड का ऑप्शन चूज़ करते हो तो ये जो किराया है कम हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव चेयर कार का भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रानी कमलापति से जबलपुर के लिए आपको ₹1880 पे करना पड़ेगा। इसमें आपका फूड भी इंक्लूड हो जाता है। अगर आप नो फूड का ऑप्शन चूज़ करते हो तो ये जो किराया है कम हो जाएगा। तो अब कितना कम होगा, जब आप टिकट बुक करोगे तो आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा।